बांग्लादेश में चीनी की सप्लाई में कमी देखने को मिली है। बांग्लादेश में ऊर्जा संकट के बीच उत्पादन में व्यवधान के कारण रिफाइनरियों से घरेलू चीनी की सप्लाई हाल ही में लगभग आधी हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी डॉलर की उच्च कीमतें और उच्च आयात शुल्क के से सप्लाई प्रभावित हुई है। स्थानीय रिफाइनरी अब बाजार में प्रतिदिन लगभग 4,000 टन चीनी की सप्लाई कर सकते हैं, जबकि सामान्य स्थिति में लगभग 8,000 टन की न्यूनतम सप्लाई होती है। रिफाइनर ने दावा किया है कि गैस और बिजली सप्लाई की कमी सभी रिफाइनरियों को लगभग 50% उत्पादन में कटौती करने के लिए मजबूर कर रही है। उनका कहना है कि बैंकों में अमेरिकी डॉलर की कमी के बीच चीनी आयात बहुत कठिन हो गया है। रिफाइनरों ने सरकार से चीनी पर मौजूदा उच्च आयात शुल्क को कम करने का आग्रह किया है। बाजार में चल रही अस्थिरता के बीच चीनी की कीमतें 1 महीने पहले के 85 से 95 टीके प्रति किलोग्राम से बढ़कर 110 से 120 टीके प्रति किलोग्राम जा पहुंची हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।